हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने जो इस चैप्टर को कर रहे हैं तो इसी को थोड़ा और देखेंगे, इसको और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो हमारा ये टॉपिक है इसको कवर करने और इसको कवर करने में 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। हाँ देखिए, इसको कवर करने में अभी तक हमने 2 वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, अभी आज का हमारा तीसरा वीडियो है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो करना चाहूंगा। देखिए, एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी स्टोरी है, सुनिए। एक बार क्या हुआ कि एक पेंटर था और उस पेंटर ने क्या किया, एक पिक्चर बनाई। और वो पिक्चर जो थी, वो उस पेंटर उस पिक्चर को समझता था, मतलब उस पिक्चर को पेंटर समझता था कि ये मेरी सबसे शानदार पिक्चर है और इसमें इसमें जो है कोई कमी नहीं है। लेकिन उसने क्या किया कि उसको सड़क के किनारे उस बोर्ड में अटैच करके उसको लगा दिया और कहा कि आप कृपया इसमें बताएं कि क्या क्या कमियां हैं। ऐसे बोर्ड लगा दिया सड़क पर और उस पर कहा कि आप बताएं, यहां पर साइन कर दें अगर आपको लगता है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। बस ऐसे साइन करके चले जाए, ठीक है। तो उसने जब शाम को आकर देखा तो वो बोर्ड जो है न जाने कितने लोगों के सिग्नेचर से भरा हुआ था। तो ये देखकर वो जो पेंटर था वो बहुत निराश हुआ। पेंटर ये समझता था कि उसकी पेंटिंग शानदार है। लेकिन फिर उसने अगले दिन क्या किया, अगले दिन उसने वहीं पर एक अलग सा बोर्ड, उसी एक बोर्ड रखा और उस बोर्ड में उसी पिक्चर को रखा और एक पेंट ब्रश रख दिया और वहां पर पेंट रख दिया और उस पर लिख दिया कि कल आप लोगों ने मेरी कमियां बताई और अब जो जो कमियां हैं प्लीज उनको दूर भी कर दें, है ना, उनको प्लीज दूर भी कर दें। लेकिन जब वो शाम को आया तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने पेंटिंग में कुछ भी किया हो। वो ये देख के बहुत सरप्राइज हुआ। तो इससे बच्चों ये पता चलता है कि जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं, है ना, जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे किसी भी काम को लेके, तो वो उनका अपना काम है, वो करते ही रहेंगे। लेकिन वो कभी भी आपको आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आपको कभी पॉजिटिव बातें नहीं सिखा सकते हैं, है ना। तो आपको ये कोशिश करना है कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन आपकी भी होती, आप भी इस बोर्ड को देखते, तो एज अ ह्यूमन बीइंग ये जो पेंटर था ये उसका बहुत शानदार प्रयास रहा होगा। तो आपको उसके इस प्रयास को की सराहना करनी चाहिए थी, है ना, कि आपका ये प्रयास बहुत शानदार है। बस इतनी सी बात जो है सफिशियंट थी उसके लिए। लेकिन यहाँ कमियां निकालने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप लोग भी समझिए, अगर किसी व्यक्ति में आप कमी निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव कमी निकालिए, जो आप ऐसा कमी बताइए जो आप खुद उसको दूर कर सके, है ना। तो इससे हमें यही पता चलता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के इस टॉपिक पे। देखिए, जो सबसे कॉमन इनइक्वालिटी इंडिया में है वो है कास्ट सिस्टम। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, है ना। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट लाइन। इफ यू लिव इन रूरल इंडिया देन योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस इन वेरी यंग। इफ यू लिव इन अर्बन इंडिया Some of you might think that people no longer believe in caste. मैंने इसके इसके कंटेक्स्ट में आपको अपनी एक स्टोरी शेयर की थी सेकेंड वीडियो में, है ना। तो उस स्टोरी को भी एक बार आप देख लें, समझ गए ही होंगे जो मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की, है ना। तो ऐसा ही कुछ जो रूरल इंडिया है यानी जो गांव का एरिया है वहां पर और शहर के क्षेत्र में ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शोन्स फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पॉर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कॉन्टिन्यूज टू बी इन द माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। देखिए, अभी आपको मैं एक बहुत शानदार चीज दिखाता हूँ। देखिए, जब क्या होता है ना, अभी ऐसे तो है कि गाँव में लोगों की शादी कहीं पर रिश्तेदारी में फिक्स कर दिया, ऐसे हो जाता है। लेकिन शहरों में जनरली क्या होता है बच्चों की शादी आराम से होती नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है, मदद लेनी पड़ती है मैट्रिमोनियल साइट्स की। मैट्रिमोनियल साइट मतलब आप कभी न्यूज पेपर में देखोगे तो उसमें लिखा रहता है कि लड़का सुंदर गोरा, लड़की ये लड़की है और सुंदर चाहिए, है ना, ऐसा लिखा रहता है। और फिर लिखा रहेगा कि लड़की की जो कास्ट हो वो क्या हो, वो जैसे यहाँ देखिए तमिल ब्राह्मण अयंगर ग्रूम चाहिए इनको, है ना, जिसका ये बॉर 91 है। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्राह्मण लिखा है, तो ये क्या है, ये कास्ट ही तो है। और ये यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है ये यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आएगा। और जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होती हैं उसमें ये चीजें आप हमेशा से देखेंगे, ठीक है, कि लोग इस एक कास्ट की डिमांड करते हैं। या देखिए यहाँ पर ये अलायंस इनवाइटेड फॉर ये फेयर एंड ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, यानी जो ब्यूटीफुल ना होगा उसकी शादी ही नहीं होगी, है ना। तो
तो ये सारी चीजें क्या है, दीज थिंग्स आर कॉल्ड इनइक्वालिटी। और ये सभी लोग, ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है, कांताबाई पढ़ी लिखी नहीं है वो इनइक्वालिटी करती है, ऐसा नहीं है। कांताबाई पढ़ी लिखी नहीं भी है फिर भी वो लोग जो वेल एजुकेटेड हैं, है ना। अब देखिए ये लड़का जिसने ये निकाला है अपने शादी करने के लिए, जो ये लड़की ढूंढ रहा है, ये वर्किंग इन आईटी कंपनी मुंबई फ्रॉम बीई एमबीए, है ना। अब देखिए ये, अब ये सारे लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं, जब ये कास्ट सिस्टम को इतना लेकर चलेंगे तो फिर कैसे किसी देश में कास्टिज्म को हटाया जा पाएगा, आप बताइए। ये बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है ना। तो ये एक लीडिंग न्यूज़पेपर का कटिंग आपको यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। देखिए किसी भी व्यक्ति की स्टोरी, दलित मैंने आपको बताया, दलित क्या होता है, जो एससी कम्युनिटी होती है जनरली उसको दलित कहते हैं, है ना। क्योंकि पहले क्या होता था, जो ये तथा कथित, मतलब जो ये सो कॉल्ड, है ना, सो कॉल्ड जो ये छत्री हैं या ये ब्राह्मण हैं, ये इन्हें छूना भी नहीं पसंद करते थे, अगर इनसे छू जाते थे तो ये अपने आप को अपवित्र मानते थे, तो इन्हीं लोगों को दलित कहते हैं। और ये सो, देखिए यहाँ पे लिखा है सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज एड्रेसेस देमसेल्फ, है ना, ये अपने आप को, इनको जो है लोग क्या कहते हैं, लोअर कास्ट को दलित सबसे प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। देखिए दलित मीन्स ब्रोकन एंड यूजिंग दीज वर्ड्स लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग हाउ दे वर कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेन। मतलब ये दिखाता है कि ये समाज से ये जो दलित हैं ये कितने अलग हैं, ये इनको अलग बना देता है कि ये इनको छूना नहीं है, इनको देखकर हे दृष्टि रखी जाती थी, है ना। देखिए मैं आपके साथ एक और स्टोरी छोटी सी शेयर करूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने जो हमारे भारत का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, लेकिन एट द टाइम व्हेन अंबेडकर जी स्टडिंग इन अ स्कूल, देन अंबेडकर जी आल्सो फेसेस मेनी डिस्क्रिमिनेशन इन हिज टाइम पीरियड। देखिए हुआ क्या कि जब अंबेडकर जी पढ़ते थे तो उन्हें जो है, जैसे मान लीजिए ये रूम है ना, जो हमारा रूम है ये, अब सारे बच्चे यहाँ पर डेस्क बेंच पर बैठे हों, है ना, और कोई एक बच्चा जो है जो केवल इस कारण से कि उसकी कास्ट जो है दलित है, वो यहाँ पर वो बच्चा क्लास के बाहर बैठा पढ़ रहा हो, तो क्या ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या ये उचित है, क्या ये तार्किक है। आप सोचिए कि कोई सारी क्लास जो है, बच्चे सारे क्लास से पढ़ रहे हैं और एक ये बच्चा क्लास के बाहर बैठा पढ़ रहा है। तो यही स्थिति थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, जो कि हमारे संविधान, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले एक बहुत बड़े बहुत विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर साहब की तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। ही इज द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई कैन यूज दिस वर्ड, है ना। तो वो विश्व में सबसे शानदार व्यक्ति में अगर गिना जाए तो अंबेडकर साहब को गिना जा सकता है, ठीक है। और अंबेडकर साहब जितने पढ़े लिखे थे, शायद ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहां पर कोई इतना पढ़ा लिखा रहा हो, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। मैं जो ये देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये एक बहुत बड़े राइटर हैं, दलित राइटर हैं, है ना, थे सॉरी। और इन्होंने कहा कि मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया कि मुझे जो है, जो अदर क्लास के लोग हैं उनसे अलग बैठने पर मजबूर किया जाता रहा है। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। मतलब जब भी आते थे, देखिए और सभी के लिए क्या होता था, एक मैट बिछा दी जाती थी और वहां आकर से बैठते थे, लेकिन जब पता चलता था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब आ रहे हैं तो यहां से मैट हटा दिया जाता था और इनको जमीन पर बैठना पड़ता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबॉडी राइट नियर द डोर। मतलब यही जो अंबेडकर साहब की स्थिति है, वही ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब की भी स्थिति थी, इन्हें भी दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, ठीक है। देखिए और थोड़ा सा इसको हम और देख लेते हैं, यहां तक आज कंप्लीट कर लेते हैं। वे हाँ, व्हेन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इज इन क्लास सिक्स, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। इनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने कहा ओम प्रकाश एक काम करो, जाओ जो ग्राउंड है वहां पर पूरा झाड़ू लगाओ और उसको पूरा साफ करके आओ। ही राइट्स दैट द प्लेग्राउंड वाज वेरी लार्जर देन माय स्मॉल फिजिक एंड कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट माय बैक बिगन टू एच माय फेस वाज कवर्ड विद डस्ट डस्ट हैड गॉन। मतलब मैं वो जो ग्राउंड था वो बहुत बड़ा था, मेरी जो हाइट थी, मेरी जो फिजिक थी वो इतनी ज्यादा ना थी कि मैं उसको पूरा साफ कर पाता, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस था किसका, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, जो एक बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है। तो अब हम जो अगला चैप्टर है हमारा, सॉरी हम इस टॉपिक में और आगे जो है
पढ़ेंगे। देखिए ये जूठन इनकी किताब है, इसको हम जो है अगले अपने लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।